अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? सब ठीक हैं फ्रेंड्स? मैं सोच रही थी कि जब शादी के टाइम हम कबूल करते हैं या सिग्नेचर्स करते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता हम क्या कबूल करने वाले हैं। लाउबाली से लड़का लड़की अपने कंधों पे इतना बोझ डाल लेते हैं, सिर्फ एक महीना या चंद हफ्ते इन्जॉयमेंट के होते हैं, फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती ही चली जाती हैं, और जब तक वो उनको बांटने वाला उठाने वाला नहीं आ जाता, उस वक्त तक आपका बाजू वेलने में फंसा ही रहता है। हर एक को लगता है कि मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। आदमी अलग परेशान है, औरतें अलग परेशान हैं। और फ्रेंड्स देख लें, सुबह से उठे हुए हैं, दिल करता है बस अब छोड़ दो, थोड़ा रेस्ट कर लें, चलो ये कर लेते हैं। अभी बेचारे ये कपड़े पड़े हुए हैं कि हमारी बारी कब आनी है, हमें कब प्रेस करना है। और फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा मसला मोरों का इंसानों के मोरे भी ख़राब हो रहे हैं और ये टूटियों के मोरे भी। तो वह मेरी तो कोनियाँ थक गई इनको बंद करते करते, और ये हैं कि ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहे। असन के अभी को मैं कहती हूँ, असन के अभी प्लीज़ लीकेज को रोक लें, सारी हमारी दीवार गीली हो रही है, कमज़ोर हो रही है, टूट जाएगी, गिर जाएगी। तो वो हंसते हैं मेरी बातों को, हंसी में उड़ा के कहते हैं, शाफी किधरे नहीं जानदियाँ तेरियाँ दीवारा। हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है, कोई काम नहीं रुका, ये भी नहीं रुकेगा, अभी इसकी बारी नहीं आ रही, जब आएगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। फिर यही फ्रेंड्स मैंने सोचा कि मैं टेंशन ना लूं और ये प्यारी सी बोतल जो है ना, मैं इसको ले जाऊं ऊपर, क्योंकि नीचे का तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है। और आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं, बच्चों के लिए मैं पराठे बनाऊंगी आलू वाले। और फ्रेंड्स ये कपड़े जो बच्चे उतार के गए हैं, अब ये डिप होंगे, सुबह फिर इनकी बारी आएगी, सिर्फ इसलिए मशीन ना लगानी पड़े। और फ्रेंड्स फाइनली मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गई हूँ, सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ना ही मुश्किल होता है, और जब चढ़ के आ जाओ तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आप उन दोस्तों के पास आ जाते हैं जिनकी कंपनी आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देती है। और अब मैं थोड़ी सी गंदम तो धोई हुई है, बस इसको थोड़ी सी धूप लगवानी है और चेक करना है, क्योंकि मैंने दलिया बनवाना है, दलिया पिसवाएंगे, दलिया खाएंगे मज़े मज़े का। और ये देखें कितने प्यारे मेरे बर्ड्स हैं, और मनी प्लांट देखें फ्रेंड्स, नाराज़ रहता है थोड़ा सा, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है इसकी। और ग्रोथ तो जो है सो है, जब मैं इसकी कटिंग लगाती हूँ तो ग्रो ही नहीं करती। जब मैं अम्मा अब्बा के घर थी शादी से पहले, मेरा मनी प्लांट इतना माशाल्लाह बड़ा, दीवार भरी होती थी, अब पता नहीं क्या हो गया, ये थोड़ा नाराज़ रहता है। मैं चेक कर रही थी कि कटिंग वाली तो कोई स्टेम नहीं है, तो अब फिर मैंने कहा कि कटिंग नहीं करती, बोतल को ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं फिर कोई हफ्ते बाद कटिंग लगाऊंगी। लगाती तो हूँ शौक से, लेकिन काम नहीं बनता। फ्रेंड्स 10:30 हो गए हैं और गंदम भी साफ़ हो गई है, लेकिन नीचे जाने को दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो है। ओके, अल्लाह हाफिज़।